हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो है गूगल पे का नया अकाउंट जो है वो आप कैसे बना सकते हैं, और साथ ही जो इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है वो आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही जो इसमें यूपीआई पिन जो सेट करना होता है वो आप कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। तो आपको गूगल पे का नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से गूगल पे ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर नीचे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, जीमेल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा जो भी आपको गूगल पे में यूज करना है। तो यहाँ पे आपका जीमेल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके दूसरा जीमेल भी आप जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी जो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जाएगा एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपको सिंपली करना का है यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपका गूगल पे का जो इंटरफेस होता है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। पर दोस्तों अभी अभी भी आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बैंक अकाउंट को ऐड कीजिएगा तभी जो आप इस गूगल पे को अच्छी तरह जो यूज कर पाएंगे। तो आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका सभी बैंक आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक जो यहाँ पे देख लेना कौन सा बैंक आपका है, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च बार मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जो भी बैंक है आपको सिंपली करना कि आपको उसी बैंक पे टैप कर देना। टैप करते ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का आएगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको सिंपली अलाउ पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सिम है वो कौन से सिम में लगा हुआ है, मतलब जो भी आपके बैंक वाला नंबर है वो आपके कौन से सिम में लगा जो आपके अकाउंट से लिंक है। तो आप यहाँ पे सिम सेलेक्ट कर लेना है, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपसे परमिशन मांगा जाएगा एसएमएस के लिए, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही दोस्तों आपके उस मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस सेंड किया जाएगा। फिर दोस्तों वहां पे आपका जो बैंक होगा वो आपको पे दिख जाएगा जो भी उस मोबाइल नंबर से लिंक होगा। तो आपका जो भी बैंक का आपका यूपीआई पिन बनाना आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको यूपीआई पिन बनाना है। दोस्तों मैं बता दूं पहले, अगर आपका यूपीआई पिन पहले बना हुआ, जैसे आप अगर पहले फोन पे या पेटीएम यूज करते हैं तो जो आपने यूपीआई पिन बनाया होगा, तो आपको इसमें गूगल पे में आपको यूपीआई पिन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप उसी पिन के थ्रू आप यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एटीएम कार्ड का एक ही पिन होता है, उससे आप कोई भी एटीएम मशीन से आप जो पैसा निकाल सकते हैं, ऐसे यूपीआई पिन होता है जो आप पैसे ट्रांसफर करने और बैलेंस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपका यूपीआई पिन नहीं बनाया तभी जो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, नहीं तो आपको सीधा डायरेक्ट ही जो आपका अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना है यहाँ पे आपको जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसका जो कार्ड लास्ट का जो 6 डिजिट होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है दोस्तों, जो मंथ और ईयर वहाँ पे लिखा होता है कार्ड के पीछे, आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ग्रीन कलर में आ जाएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप क्रिएट यूपीआई पिन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो आपके अकाउंट से लिंक है उस पर आपको एक एसएमएस सेंड किया जाएगा, उसमें जिसमें आपको 6 डिजिट का ओटीपी होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो आपको यहाँ पे ओटीपी वो फिल कर देना है, फिर आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपको जो है यूपीआई पिन सेट करने के लिए 6 डिजिट का, ये 4 डिजिट का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी आपको पिन रखना है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो पिन आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, और फिर आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों वही पिन को कंफर्म करने के लिए, मतलब दोबारा कंफर्म करने के लिए वही दोबारा एंटर यहाँ पे पिन कर देना है, फिर आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट एडेड सक्सेसफुली का यहाँ पे टिक दिख जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रकार का आएगा, तो आपको सिंपली करना है नोट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको सेट यूपीआई नंबर पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यूपीआई नंबर सेट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको सिंपली करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने इस प्रकार का दिखेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जो यूपीआई नंबर होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको सेंड कर दिया जाता है। फिर दोस्तों हमारा जो यूपीआई नंबर है सेट हो चुका गूगल पे में। फिर आपको सिंपली करना क्या है, आपको गोइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका फुल नेम मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों हमारा जो गूगल पे का इंटरफेस है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप जो आपका सबसे सक्सेसफुली जो आपका इसमें अकाउंट जो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, अब आप आसानी से जो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप जो किसी को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके मोबाइल नंबर में कॉन्टैक्ट सेव है तो आप उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर वो भी गूगल पे यूज करता हो। यहाँ पे अगर उस किसी को फोन पे नंबर पे अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ बैंक ट्रांसफर, यहाँ यूपीआई नंबर पे जो पैसे ट्रांसफर करना होता है, यहाँ पे सेल्फ के अकाउंट में मतलब खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना होता है यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप जो है इसी प्रकार जो है आसानी से आप अपने
अपना गूगल पे का जो नया अकाउंट है वो आप बना सकते हैं, साथ ही बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और यूपीआई पिन जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही।